हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो एनी टाइम टिप्स। आज के इस टॉपिक में बात करेंगे, अगर आप APS ID यूज करते हो, चाहे किसी भी कंपनी से चला रहे हो, चाहे आप CSE का DG पे चला रहे हो या फिर RNF का ID चला रहे हो, या स्पाई मनी हो गया, पेनियर हो गया, डोगमा सॉफ्ट हो गया, बहुत सारा कंपनी है। अगर किसी भी कंपनी से आप APS ID लेके काम करते हो और उसमें ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, फिर भी कस्टमर के अकाउंट से पैसा जो है डेबिट हो जाता है और आपके वॉलेट में नहीं आ रहा है और 2-4 दिन हो गया, तो क्या करना चाहिए, कहाँ पर कंप्लेन करना चाहिए, किस तरह का फॉर्म आपको फिलअप करना है, पूरी जानकारी देंगे। साथ में APS ID यूज करते हो तो आपको एक बैनर लगा लेना चाहिए आपके शॉप या फिर आपके दुकान में, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है एक APS यूजर के लिए, जो RBI की गाइडलाइन के अनुसार होगा। ठीक है, जो भी बताएंगे इस वीडियो में NPCI का गाइडलाइन और RBI का गाइडलाइन देख के बताएंगे। तो चलिए पूरी डिटेल से बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये भी बता देना चाहते हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पर, इसका जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। यहाँ पर आने के बाद एक यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है APS फेल्ड ट्रांजेक्शन, और यहाँ पर CSE सर्विस में क्लिक करोगे तो यहाँ एक DGPay का ऑप्शन निकलेगा। यहाँ देखिए DGPay में भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा APS फेल्ड ट्रांजेक्शन। तो चलिए हम यहीं पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस तरह का ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पर APS रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको दे के रखे हैं। अगर ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, कस्टमर के अकाउंट से पैसा डिटेक्ट हो जाता है, आपके वॉलेट में नहीं आता है, तो क्या करना चाहिए, आपको किस तरह का एक कंप्लेंट डालना पड़ता है। और यहाँ पर देखोगे RBI का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग आधार पे, तो इसके बारे में RBI का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो भी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा, देखिए RBI का गाइडलाइन PDF फाइल मिल जाएगा, फिर APS कंप्लेंट फॉर्मेट हिंदी का फॉर्मेट यहाँ मिल जाएगा, साथ में इंग्लिश अगर फॉर्मेट चाहते हो PDF डाउनलोड कर सकते हो यहाँ। साथ में APS यूजर सभी APS यूजर के लिए एक बैनर मिलता है, वो बैनर आप लगवा सकते हो अपने दुकान में, ठीक है, अपने शॉप में, और ये बहुत ही ज़रूरी है, ये बैनर आप ज़रूर लगाइए अपने दुकान में। इस बैनर को दिखाएंगे अभी हम, इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। साथ में एक डायरी भी मेंटेन करना पड़ता है अगर आप कोई भी कंपनी का APS यूज करते हो तो। तो चलिए पूरी डिटेल्स में बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो अभी हम इस वीडियो में बता देंगे। साथ में आप यहाँ आओगे तो पढ़ लीजिएगा सभी जानकारी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे। यहाँ अगर आओगे तो सबसे पहले ये पढ़ लीजिएगा, अभी हम ये आपको पढ़ के सुना देते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया APS यूजर अपने दुकान शॉप में एक बैनर लगा लो जो RBI के गाइडलाइन के अनुसार है। बैनर डाउनलोड लिंक यहीं पर मिल जाएगा। साथ ही APS यूजर्स को एक डायरी रजिस्टर्ड रखे और सभी कस्टमर जो विड्रोल डिपॉजिट ट्रांसफर बैलेंस चेक करने आते हैं उन सब का रिकॉर्ड रखे। मतलब देखिए अगर आप CSP भी चलाते हो ना, कस्टमर सर्विस पॉइंट, तो उसमें डिपॉजिट होता है, हालांकि APS यूजर जो है उसका सिर्फ विड्रोल का ऑप्शन है। अगर आप CSP चलाते हो तो उसमें डिपॉजिट भी होता है, तो इसलिए यहाँ डिपॉजिट लिखा गया है। और आपको एक डायरी रखना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है, सभी कंपनी आपको बोलता है कि एक डायरी रखा करो, एक रजिस्टर रखा करो, उसमें सबका रिकॉर्ड रखो, ठीक है, किस दिन कितना बैलेंस विड्रोल किया, डिपॉजिट किया, सबका रिकॉर्ड। कैसे रिकॉर्ड रखना है, जैसे यहाँ बताया गया, जैसे नाम, आधार नंबर, डेट, टाइम, ट्रांजेक्शन नंबर, मोबाइल नंबर। साथ में याद रहे, ये बहुत ही ज़रूरी है, किसी का भी बैलेंस चेक करते हो या फिर ट्रांसफ़र करते हो या फिर आप ट्रांजेक्शन करते हो, विड्रोल करते हो, कुछ भी करते हो, तो कस्टमर का मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। बहुत सारी कंपनी क्या क्या है, मोबाइल नंबर डालोगे, सबमिट करोगे तब आगे जाएगा, तो उस वक्त आपका मोबाइल नंबर नहीं। बहुत सारा APS यूजर क्या करता है, जल्दी जल्दी के कारण मोबाइल नंबर खुद का डाल देता है और वहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। किस तरह का प्रॉब्लम आपने सुना होगा या फिर देखा भी होगा, बहुत सारा ऐसा APS यूजर है जिसके नाम पे केस दर्ज हो गया, ठीक है, क्योंकि अभी जो चल रहा है ट्रांजेक्शन साफ साफ बता रहा है कि फेल हो गया है, लेकिन उसके कस्टमर के अकाउंट से पैसा डिटेक्ट हो जाता है, तो APS यूजर्स को क्या पता चलता है कि ट्रांजेक्शन फेल हो गया, तो दोबारा उसका थंब लगा देता है, तो दोबारा उसका ट्रांजेक्शन फेल अगर बता दिया तो मतलब 2 बार उसके अकाउंट से पैसा कट गया और उसके वॉलेट में पैसा आया नहीं, जिसके चलते कस्टमर को नहीं पता चलता है। साथ में
एपीएस यूजर को पता नहीं चलता है। अगर 2-3 दिन बाद पता चलता है तो कस्टमर को पता चल जाता है, उस वक्त कस्टमर क्या करता है, हो सकता है वो पुलिस स्टेशन में केस कर दे, थाना में अपना केस कर दे। तो उस वक्त अगर आप इन सब का रिकॉर्ड रखते हो अपने डायरी में, अपने रजिस्टर्ड में, तो वो रजिस्टर्ड आपका बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। कि क्यों वहाँ साफ साफ बताया था कि ट्रांजेक्शन फेल, तो आप वहाँ ट्रांजेक्शन फेल का भी नंबर डाल सकते हो। तो देखिए यहाँ APS यूजर बैनर पोस्टर डाउनलोड लिंक यहाँ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ क्या था, सबसे पहले APS यूजर के बारे में ये जानकारी रहा, ठीक है। अब नीचे चलते, अब यहाँ पर देखोगे एक लिखा गया APS ट्रांजेक्शन फेल क्या करें। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो सारी हम बता देते हैं, बाकी आप आके यहाँ पढ़ सकते हो पूरी जानकारी, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ ध्यान दोगे, APS एजेंट को डायरी में सभी ग्राहकों की जानकारी लिखना जरूरी है। कोई भी कस्टमर किसी भी ट्रांजेक्शन फेल को लेके FIR मामला दर्ज करता है तो वो डायरी की जानकारी बहुत ही काम आने वाला है। उसके बाद अगर ट्रांजेक्शन फेल होता है तो केवल कस्टमर के खाते में पैसा वापस लौटता है, APS एजेंट को यह कभी भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए APS एजेंट कस्टमर को ये पैसा अदा ना करे, मतलब अगर किसी तरह ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, बैलेंस कट हो जाता है कस्टमर के अकाउंट से, तो वो कस्टमर के ही अकाउंट में वापस होता है बैलेंस। अब कभी भी कस्टमर को इस तरह स्थिति में उसे पैसा ना दे, कस्टमर के खाते में पैसा कट हो गया है और APS वॉलेट में वापस प्राप्त नहीं हुआ है, सबसे पहले आप अपना स्टेटस देखें। अगर फेल है तो 24 घंटे में अपने आप कस्टमर के खाते में पैसा प्राप्त हो जाता है। अगर ट्रांजेक्शन फेल हो गया, बैलेंस कट गया है कस्टमर के अकाउंट में, तो वो ऑटोमेटिक जो 24 घंटा बाद वो कस्टमर के खाते में आ जाता है। अगर कस्टमर के खाते में 24 घंटा बाद नहीं आया तो क्या करना है, तो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। और कस्टमर को यह पैसा 24 घंटा बाद प्राप्त नहीं हुआ है तो ग्राहक को ग्राहक द्वारा बैंक में क्लेम किया जाता है। तब क्लेम करने के बाद तब 72 घंटों में ग्राहक को यह पैसा प्राप्त होता है। 72 घंटा मतलब 3 दिन के अंदर उस कस्टमर का बैलेंस जो है कस्टमर के अकाउंट में वापस आता है। यहाँ पर नीचे देखिएगा, सबसे पहले आपको दिए गए APS बैंक कंप्लेंट फॉर्मेट को डाउनलोड करना होगा, उसके बाद इसे पूरा भरे और बैंक में सबमिट करें। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ दिया गया है, यहाँ पर देखो बैंक APS बैंक कंप्लेंट फॉर्मेट हिंदी, यहाँ पर क्लिक करोगे तो हिंदी वाला डाउनलोड लिंक खुल जाएगा, यहाँ पर आप हिंदी वाला डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरह से है, अपना नाम भरिएगा, पता, निवासी, फिर दिनांक, ट्रांजेक्शन नंबर, कितना बैलेंस था वह पूरा भरिएगा, सिग्नेचर कीजिएगा और जमा कीजिएगा अपने बैंक में। साथ में बैंक वाला आपको ये नीचे वाला रसीद दे देगा, अपना स्टाम्प लगा के, बैंक का जो भी स्टाम्प होता है, सिग्नेचर होता है, मोहर लगा के दे देगा। अब यहाँ चलते फिर से, यहाँ पर इंग्लिश वाला आपको लेना है तो यहाँ पर क्लिक करोगे, यही फॉर्म आपको इंग्लिश में यहाँ पर मिल जाएगा। अब नीचे देखोगे बैनर का ऑप्शन है, बैनर में क्या लिखा गया है वो आपको भी देखना है, ठीक है। बैनर वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो बैनर वाला में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी APS यूजर के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधार APS के माध्यम से पैसा निकालने से पहले ध्यान दें, तो सबसे पहले आपकी दुकान में ये, अपने शॉप में ये लगा लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिखा गया है, उसके बाद सामान्य APS के इस्तेमाल में रकम फंसने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी तकनीकी कारणों से आधार के माध्यम से पैसा निकालने पर अगर रकम ग्राहक के खाते से कट हो जाता है और सेवा प्रदाता के खाते में नहीं पहुंचता है तो वह रकम ग्राहक के खाते में 72 घंटे में वापस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ लिखा गया, नोट में देखोगे हाईलाइट में जो लिखा गया है, इसके लिए सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी नहीं बनती है। रकम कटने की दशा में पासबुक का फोटोकॉपी, ट्रांजैक्शन आईडी लेकर अपने बैंक मैनेजर से शिकायत ग्राहक को खुद करना होगा और इसका एक कॉपी CSP ऑपरेटर को देना होगा। ग्राहक उपरोक्त सेवा शर्त को समझने के बाद ही अपने विवेक से APS का इस्तेमाल करें। तो यहाँ देखोगे कुछ इस तरह का एक बैनर आपके शॉप में जरूर लगाना है, ठीक है, ताकि ये पहले हिसाब से बताया जा रहा है कि APS किस तरह काम करता है। और ये यहाँ पर देखोगे नीचे RBI की गाइडलाइन के अनुसार है, ठीक है, ये कोई खुद कोई बना के नहीं दे रहा है आपको।
तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखोगे एक लिंक दिया गया है RBI गाइडलाइन के अनुसार, तो यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे एक PDF फाइल खुल जाएगा। तो यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं आपको टाइम लेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट हम चलते हैं APS को लेके, क्योंकि अभी हम APS के टॉपिक लेके आए हैं। तो यहाँ पर देखोगे 5 नंबर पे आपको मिल जाता है आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग आधार पे। तो यहाँ साफ साफ बताया जा रहा है कि अकाउंट डेबिट बट ट्रांजेक्शन कन्फर्मेशन नॉट रिसीव मर्चेंट लोकेशन, मतलब अकाउंट से बैलेंस जो डेबिट हो गया है और मर्चेंट के अकाउंट में बैलेंस नहीं एड हुआ है, रिसीव नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में यहाँ देखोगी तो विथिन T+5 डे में वो रिफंड होता है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे ऑटो रिवर्सल और यहाँ देखोगे डिफ्यूजन, तो विथिन 5 डे में वो ऑटोमेटिक कस्टमर के अकाउंट में आ जाता है। अगर नहीं आता है जिस भी कंपनी से लिए हो, मान लो बहुत सारे कंपनी यस बैंक से चलता है, तो यहाँ पर लिखा गया कि 100 रुपया पर डे इफ डेली इज बियॉन्ड T+5 डे, मतलब 100 रुपया पर डे 5 से 7 दिन के अंदर उसके अकाउंट में बैलेंस वापस नहीं आया तो 100 रुपया पर डे के हिसाब से उसको पेनल्टी देना होगा, मतलब कस्टमर के अकाउंट में 100 रुपया पर डे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ गाइडलाइन है RBI का, ये बहुत ही बेहतरीन गाइडलाइन है अगर आप देखोगे यहाँ पर आके। अब चलिए हम कुछ खास बातें बता देते हैं। यहाँ पर देखोगे, अब यहाँ देखोगे लिखा गया, अब जिस भी कंपनी से लिए हो, ठीक है, जिस भी कंपनी से APS ID लिए हो, चाहे RNFI का हो या फिर SBI Money का हो, तो सबसे पहले आप देखोगे सभी कंपनी को एक mail ID होता है, उस mail ID में एक मेल भी करना होगा, ठीक है, और साथ में NPCI के मेल में भी एक मेल कर देना है। अगर 72 घंटे में नहीं आता है पैसा, ठीक है, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ देखोगे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक कस्टमर एक दिन में केवल एक ही बार पैसा निकाल सकते हैं, ये सभी को पता है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका खाता है किसी कस्टमर का, तो वो अगर बैलेंस चेक करेगा एक बार अपने आधार नंबर के थ्रू, तो वो उसके बाद विड्रॉल नहीं कर सकता है, ठीक है, या फिर दोबारा बैलेंस चेक नहीं कर सकता है। अगर विड्रॉल कर लिया है तो दोबारा वो बैलेंस नहीं चेक कर सकता है। अगर कोई दूसरा बैंक है तो उसमें ये नियम नहीं है, ठीक है। यहाँ साफ साफ बताया जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक कस्टमर में एक दिन में केवल एक ही बार पैसा निकाल सकते हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है, अगर आपने पैसा देख लिया है या निकाल लिया है, तो दोनों शर्तों में एक ही बार माना जाता है। यानी कि अगर आप किसी कस्टमर को पैसा देखते हैं तो आप उसके बाद उस कस्टमर का पैसा निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन ये दूसरे बैंकों में ऐसा नहीं है, यह नियम केवल SBI के लिए है। नीचे जाते हैं, नीचे यहाँ पर आओगे तो अगर बैंक आपको सहयोग ना करे तो आप मौजूदा ईमेल पर मेल करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। आपको 2 ईमेल करना है, एक तो अपनी कंपनी के मेल में और एक NPCI ईमेल को ईमेल करना होगा दी गई ईमेल में। तो यहाँ पर देखोगे NPCI का ईमेल ID यहाँ पर आपको मिल जाता है, तो आप यहाँ पर एक मेल करना होगा। क्या मेल करना पड़ेगा, ये फॉर्म जो आप डाउनलोड करोगे वही फॉर्म आप फिलअप करके मेल कर सकते हो, और सब्जेक्ट बॉक्स में आप ये टाइप कर सकते हो। यहाँ पर देखोगे 4 APS ट्रांजेक्शन, ये सब्जेक्ट में लिख सकते हो। अगर आप DGPay यूज करते हो तो DGPay यहाँ पर देखोगे DGPay में मेल करने का ऑप्शन नहीं है, है फिर भी आप पहले टिकट जनरेट कीजिएगा। यहाँ पर देखो क्लिक रे में क्लिक जैसे ही करोगे तो टिकट जनरेट का ऑप्शन मिल जाएगा। रेस इशू में क्लिक करोगे, रेस इशू में यहाँ पर देखोगे ट्रांजेक्शन इशू में क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे, फिर यहाँ देखोगे किस तरह का इशू है, कैश विड्रॉल कर लेके या पे आउट, तो हम कैश विड्रॉल सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर देखोगे नंबर मांगा जाएगा, तो नंबर डालोगे, जो नंबर है आपको वो सिलेक्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे, CC ID ट्रांजेक्शन नंबर कैप्चा सबमिट करोगे, तो ये ऑनलाइन आपका कंप्लेन हो गया, ठीक है। इसमें आप मेल नहीं करोगे फिर भी चलेगा, लेकिन फिर ही यहाँ एक mail ID दिया गया है। अब चलिए हम यहाँ पर फिर से आ जाते हैं APS रजिस्टर्ड फॉर्म, ठीक है, मतलब फॉर्मेट। यहाँ पर देखोगे ऑल APS यूजर डायरी रजिस्टर, यहाँ पर क्लिक करोगे तो एक रजिस्टर का फॉर्मेट मिल जाएगा आपको,
इस तरह का एक फॉर्मेट बना के रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखो कि सीरियल नंबर, कस्टमर नाम, कस्टमर मोबाइल नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर, ट्रांजेक्शन डेट और टाइम, और RRN नंबर, अमाउंट और सिग्नेचर या फिर थंब। तो इस तरह का आपको एक रखना पड़ेगा एक रजिस्टर, और सभी को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। किस दिन किस बंदे ने कितना निकाला, कितना बैलेंस चेक किया, ये सारा जानकारी यहाँ पर आप नोट करोगे। ये एक काम जरूर कीजिएगा, इस तरह का एक रजिस्टर जरूर बनाइएगा, साथ में अपना शॉप में ये वाला चीज जरूर लगाइएगा। और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पर दिया गया है, वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है इसलिए शॉर्ट में बता दिए हैं। आप यहाँ पर आओगे तो थोड़ा बहुत जरूर पढ़ लीजिएगा, और ये चारों PDF एक बार ओपन करके देख लीजिएगा। तो बस इस वीडियो में यही था, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा। जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाना, साथ में चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते फिर एक नए वीडियो में नोट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।